तो हाँ जी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि घर पर ही अपने प्रिंटर की कार्टेज फिलिंग कैसे की जाती है। इसके लिए आज हमारे पास हमारा जो प्रिंटर है HP 1018, उसके हम कार्टेज फिलिंग करने जा रहे हैं। और इसी तरह है, हम किसी भी 12A कार्टेज की फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कार्टेज पर 12A लिखा हुआ है, ये कार्टेज का नंबर होता है। सेम आती है कई प्रिंटरों में, तो हम इसकी कार्टेज फिलिंग आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, कार्टेज को खोलते कैसे हैं। तो हमारे पास दो साइड होती है इसमें, एक तो ये वाली साइड होती है जहाँ पर अपन गरारी देखते हैं इसकी प्रिंटर की। तो यहाँ से अपन को खोलना नहीं है, इसे अपन को खोलना है दूसरी साइड से। मतलब गलती हो यार, यहाँ जो गरारी साइड है वहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए अपन को कुछ नहीं चाहिए, एक पेचकस चाहिए। तो पेचकस अपन काम ले लेते हैं। एक पेच ये है और दूसरा ये है। को अपन यहाँ ऐसे निकाल लेंगे ऊपर करके। उसके बाद अपन इसे ड्रम बोला जाता है, पहले इसे निकालेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे निकालना है। यह आपके पास हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है, इसे PCR बोला जाता है। तो इसे निकालने के लिए अपन किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा हाथ में। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसमें दो लॉक लगे होते हैं कार्टेज में, एक तो ये वाला और एक इस साइड सेम ये वाला। इसको निकालने के लिए अपन को बारीक पेज चाहिए होता है। तो यहाँ जो इसके लॉक हैं उसको अपन को अंदर से प्रेस करना होता है। आपको बता देता हूँ, यहाँ ये इसके अंदर है, तो अपन को यहाँ ऐसे डाल के अंदर ऐसे इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो यह बाहर आ जाएगा, ये अपने पास बाहर आ चुका है। इसी प्रकार अपन को ये काम यहाँ पे करना है। ये रहा, प्रेस करेंगे। तो ये दूसरा भी आपके पास निकल आएगा। अपन दोनों को साइड में कर लेते हैं ताकि हम इनको खो ना दें। फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद अपन को इनकी सफाई करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है अपना जो एक्स्ट्रा होता है बचा कुचा, वो माल यहाँ पे आ जाता है और इसको ये वेस्टेज होता है, इसका कुछ काम नहीं होता। इसमें जो शाही बची हुई है उसको अपन निकाल लेंगे एक बार, और इसको भी अपन साफ़ ही कर लेंगे। तो पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं ब्लोवर की मदद से, और इसको हम काट के आपको बताते हैं बाद में। तो यहाँ हम इन दोनों को साफ़ करके ले आए हैं, हमने कोई भी इनके साथ छेड़खानी नहीं की है। जैसा अपन यहाँ से लेके गए थे वैसा का वैसा अपन यहाँ लाए हैं। अब हमको इसमें ऐसा कुछ करना होता है नहीं है, क्योंकि इसमें केवल वेस्टेज आता है। तो इसको हम वैसे के वैसे रख देंगे। अपन को कार्टेज फिलिंग करनी होती है इस साइड में, जो यहाँ जो अपन को गरारी साइड दिख रही है, इसे मैग्नेट बोला जाता है। मैग्नेट के जो गरारी वाला साइड है, इसको अपन को खोलना नहीं है, क्योंकि ये खोलोगे तो इसकी जो सेटिंग है वो मिसमैच हो जाएगी, उसके बाद आपको लगाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम जहाँ ये एक पेच लगा हुआ है इस मेटल वाले के पास में, इधर मेटल वाला नहीं है, आप आसानी से पहचान पाएंगे इसे। तो हम इसे खोलेंगे, इस वाले पेच को खोलेंगे। तो इसे खोल लेते हैं एक बार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप घर बैठे ये काम कर पाएंगे। बाज़ार में आपको इसके लिए 150 से लेकर 200 तक का पे करना पड़ता है, और वैसे ये इतना कोई हार्ड वर्क है नहीं, तो इजीली ये हो जाता है। तो इसमें अपन को यहाँ एक लिड दिखता है, तो इस लिड को अपन को निकालना है। ये इजीली रिमूव हो जाता है।
ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं अपन। और यहाँ हमारे पास एक टोनर है 100 ग्राम का, आप 120 ग्राम का भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये 100 ग्राम का है और ये हमें बाज़ार से 70 रुपये में मिला है। तो एक बार इसको अपन खोल लेते हैं, पहले शेक करेंगे और इसको खोल के किसी भी केप की मदद से, अगर आपके पास केप अवेलेबल नहीं हो तो आप कागज़ का बना के इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास केप है तो मैं केप से डालूँगा, तो आप जैसा देख सकते हैं मैं इसमें ये फिलिंग करने जा रहा हूँ। तो कई बार आती नहीं है, एक बार करके वहाँ पर डाल लेते हैं, इसको पूरा डाल देना है। अपने पास 100 ग्राम है, वैसे इसमें 120 ग्राम भी आसानी से आ जाती है। और जैसा कि ये पूरा खाली हो चुका है, अब अपन को लिड वापस से बंद कर देना है ताकि ये निकले ना। और जैसा अपन ने यहाँ पहले लगाया था, इसको मैग्नेट को दबाते टाइम थोड़ा ध्यान से दबाना है ये, ताकि निकले भी नहीं और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगे, नहीं तो मैग्नेट ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। और जैसा कि अपना ये लीड था, अपन इसको लगा देंगे वापस से। जो मेनली जो फिलिंग का काम होता है वो इतना ही होता है, और बाकी जैसे कि अगर आपके प्रिंटिंग में कुछ ख़राबी चल रही होती है तो अपन को मैग्नेट या फिर ड्रम चेंज करके देखना पड़ता है। अभी जैसे कि हमारा ड्रम है जो ये थोड़ा ब्लैक हो रहा है, तो अपन इसको कॉटन के कपड़े से एक बार साफ़ कर लेंगे ताकि प्रिंटिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसा अपन ने पहले इसको खोला था वैसा का वैसा रिवर्स काम करना है इसको लगाने के टाइम पे। तो जो ये है यहाँ पे ऐसे खांचे दिए हुए हैं, इनमें अपन फिट कर देंगे ये वाले लेग को। लगाते टाइम ध्यान रखना इसमें क्या एक हम इसको इजीली इनपुट कर देते हैं इसका। और जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग लगानी है दोनों साइड में, दोनों साइड में अपन स्प्रिंग लगा देंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद में जैसा कि अपन ने यहाँ पे जो अपने लोग थे, जो आप ढक्कन उठाओगे उसके बाद में आपको दिखेंगे यहाँ पे जो लोग हैं, और जो अपन ने जो पेचकस की मदद से निकाले थे उनको वापस इंसर्ट करना है। तो ये बड़ा केयरफुली करना आपको ताकि ये लॉक हो जाए एक बार। ये इसके पीछे होता है, यहाँ पे जो छेद है इसमें अपन डाल देंगे। अभी हमारी कार्टेज लॉक हो चुकी है। लॉक होने के बाद में अपन ने पीसीआर निकाला था, पीसीआर को हम वहाँ पर डाल देते हैं एक बार, हल्का सा साफ करके और इसको वहाँ पर डाल देते हैं। कॉटन के कपड़े से साफ किया, और अपन इसको वापस जहाँ से निकाला था वहीं डाल देते हैं। इसको प्रॉपरली सेट कर देंगे बैठाने के बाद में। और ये अपना ड्रम है, ड्रम को अपन वापस इसमें इंसर्ट करेंगे जैसे अपन ने निकाला था, धीरे धीरे करके, वैसे ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं है इस पर। और जो इसका लॉक था वो अपन को ये दोनों लॉक में सेट कर देना है। और हम इसके लास्ट यहाँ वाले पेचों को सेट कर देंगे और ये अपना कार्टेज फील होके तैयार है। और इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये 5 मिनट का काम होता है और घर पर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये हाथ वात काले होते हैं, तो ये कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अपन बाज़ार में जाते तो ऐसे पसीने आ जाते हैं इतने। तो ठीक है, ये गाड़ी फील हो गए तैयार है, अपन इसको पेनेंटर में लगा देंगे।